हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गुवार फली की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। जो आपने कभी ऐसी सब्जी नहीं खाई होंगी और मेरे तरीके से आप सब्जी बनाओगे तो आपके घर में सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, गुवार फली की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये मैंने 200 ग्राम गुवार फली और ये एक छोटा सा आलू और छोटा सा एक टमाटर लिया है। आलू को हम ऊपर से स्किन उतार के छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं और टमाटर को भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आलू को कट कर लिया है और टमाटर को भी कट करके रख दिया है। अभी यहाँ पे हमने ये चार लहसुन लिया है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा और दो मीडियम तीखा हरी मिर्च लिया है। तो ये हरी मिर्च को थोड़ा टुकड़ा करके इसको दरदरा पीसना है। तो हम मिक्सर जार में दरदरा पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सब्जी में थोड़ा लहसुन का और अदरक का थोड़ा दरदरा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा दरदरा पीसकर हमने रेडी कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने ये रतलामी सेव ली है फ्रेंड्स, और आपके घर में कोई भी नमकीन हो तो चलता है। आपके पास रतलामी सेव नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, और आपके पास कोई भी नमकीन नहीं है तो बेसन को आप भूनकर भी डाल सकते हो। तो ये रतलामी सेव को मिक्सर जार में हमें क्रश कर लेना है। तो ये क्रश होकर रेडी हो गई है और ये पाउडर हमारा बन गया है। अभी मसाला कर लेते हैं। मसाले में यहाँ पे 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून जितना ये अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट और फ्रेश हरा धनिया, और ये सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से ये मसाला मिक्स करना है फ्रेंड्स। और ये मिक्स हो जाने के बाद अभी क्या करते हैं, ये टमाटर और ये सब कुछ हमारा मसाला और ये सब रेडी हो गया है। अभी एक कुकर में गरम गैस पे चढ़ा के गरम कर लेते हैं और 1 टीस्पून जितना अजवाइन ऐड करते हैं फ्रेंड्स। अजवाइन का फ्लेवर ये सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून जितना तेल लेते हैं और अजवाइन थोड़ा क्रैकल हो जाए यानी तब तक हमें भूनना है। और अजवाइन हमारी भूनकर रेडी हो गई है। अभी इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून जितना हींग ऐड करते हैं। हींग ऐड करने के बाद जो टमाटर हमने काट कर रेडी रखे हैं वो टमाटर डाल देते हैं और टमाटर को थोड़ा सेक लेते हैं। और अभी इसी के साथ हमने जो मसाला बनाया है वो पूरा मसाला इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये मेन मसाला है फ्रेंड्स, तो ये पूरा मसाला हमें अंदर ऐड कर देना है। तो कर देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर और मसाले को अच्छे से भूनना है। अच्छे से भून लेने के बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जो हमने रतलामी सेव को हमने पाउडर करके रखा है ना, वो इसके अंदर हम अभी ऐड कर लेते हैं। ये पूरा पाउडर इसके अंदर ऐड कर लेना है और फिर से अच्छे से भून लेते हैं। ये मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे से इसको भूनेंगे और मसाला एकदम एक रस हो जाए तब तक हमें पकाना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ऑयल भी थोड़ा छूटने लगा है और टमाटर भी थोड़े पक गए हैं। तो फिर से हम इसको हिला देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा चलाने के बाद फ्रेंड्स, अभी हमने जो गवार फली हमने साफ करके रखी है काट कर, वो अंदर डाल देते हैं। और आलू भी हमने काट कर रेडी रखे वो भी अंदर डाल देते हैं और फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरा मसाला कोट कर गया है, इसकी कोटिंग हो गई है।
तो अभी इसके ऊपर हम थोड़ा ढककर सेकने देते हैं ताकि पूरा मसाला इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। अभी थोड़ी देर के बाद चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छे से ऑयल भी छूट गया है। अभी इसके अंदर हम 1.5 ग्लास जितना पानी हमें इसके अंदर ऐड करना है, 1.5 ग्लास, तो ही ग्वार फली अच्छे से पक जाएगी। तो 1.5 ग्लास पानी डालने के बाद अभी ऊपर से लिड बंद कर देते हैं और 4 सीटी लगा लेते हैं। अच्छे से 4 सीटी आए तब तक हमें पकाना है। अच्छे से ग्वार फली पक जाएगी तो ही ये सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। अभी 4 सीटी के बाद अभी कुकर को थोड़ा ठंडा होने के बाद देख लेते हैं। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली और बहुत अच्छी सब्जी बनी है। पूरा ऑयल भी साइड पे छूट गया है। आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स कि बहुत अच्छी सी हमारी सब्जी बन गई है। आपने ग्वार फली की सब्जी बहुत बनाई होगी घर में, लेकिन ऐसे आप खाओ बनाओगे मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये ग्वार फली को आप रोटी के साथ या गेहूं की रोटी के साथ या फिर पराठा या फिर बाजरे के रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।